Welcome to our series Counseling Baki Hai. I am Aditya Adho and watching The Social Indian. In this video, we'll be dealing with 5 myths that every law student face. और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा चल रहा होता है कि लॉ जब हम करेंगे तो ये चीजें हमारे साथ होंगी या ऐसा लॉ होगा. तो ये मिथ्स को हम ब्रेक करने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं और काफी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, तो उम्मीद करेंगे कि आपका प्यार और सपोर्ट जो पहले था वैसा ही रहेगा. और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपसे कि हमारे अभी 1700 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं. 1700 लोगों की हम फैमिली हैं और आज हम स्ट्रांग खड़े हैं क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं. तो सबसे पहला जो मिथ है वो यह है कि लोग सोचते हैं कि भाई मोटी मोटी किताबें पढ़नी होंगी, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है. जब भी आप किसी लॉयर की फोटो देखेंगे, उसके चैम्बर की फोटो देखेंगे, तो आप पीछे देखते हैं कि भाई लाइब्रेरी में इतनी ज्यादा बुक्स हैं, देखते हैं रैक्स भरी पड़ी है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं. तो ये मिथ होता है कि आपको सारी किताबें पढ़ी होनी चाहिए, सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द जो बुक्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट केसेस की होती हैं या फिर लॉ रिपोर्ट्स की होती हैं, जो मैक्सिमम पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज की जाती हैं. ऑल्दो जो बुक्स होती हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज की जाती है, और जो पढ़ने वाली किताबें होती हैं वो शायद इतनी मोटी नहीं होती हैं जितनी दिखाई जाती हैं. अब जो दूसरा मिथ है वो है कि आपको यहाँ पर रट्टा पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सेक्शंस याद करने होंगे, आर्टिकल्स याद करने होते हैं, आपको इतने एक्ट्स के सेक्शन और आर्टिकल अपने दिमाग में बैठाने होते हैं. तो ये एक मिथ है कि आपको ये सब कुछ याद करना होता है, रट्टा करना होता है. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सभी सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है. जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं वो अपने आप ही आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज ही आपके यूज में आ रहे हैं, इसलिए वो आपको याद हो जाते हैं. और मैक्सिमम सेक्शंस ऐसे हैं जिनका यूज ही नहीं होता है कभी आपकी लाइफ में, वो बस एक बना दिए गए हैं बेर एक्ट में कि आपकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए उस क्राइम की. अब तो तीसरा मिथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि लोग कहते हैं कि लॉ में सिर्फ लॉ की पढ़ाई में या लॉ में प्रोफेशन में सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं. तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि अगर आपका अप्रोच जैसा रहेगा आपके कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड्स भी वैसे ही रहेंगे. कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, काफी लोग देखे हैं लॉयर्स जो 25-25 साल से साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं अपने स्कूल कॉलेज लॉ स्कूल टाइम से ही कि वो अभी भी साथ हैं और आगे भी उनका साथ ही रहना है. कई लोग होते हैं कॉलेज की दोस्ती के साथ साथ ही लॉ पार्टनर्स बन जाते हैं, फर्म्स खोल लेते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोस्ती के किस्से भी मशहूर होंगे लॉ स्कूल्स में, वो आप देखेंगे जब यहाँ पर आएंगे. चौथी बात जो सबको खाती है और वो खाती है उन लोगों को जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनेंगे, यानी उनके परिवार में उससे पहले कोई लॉयर नहीं है, चाचा ताऊ उनके लॉयर नहीं है, तो वो जो है वो लिटिगेशन में सफ़र करते हैं. तो इसके लिए हम कहेंगे कि कुछ हद तक ये मिथ सही है कि अगर आपका कोई रिलेशन में नहीं है वही लॉयर तो हाँ दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद अगर आप रजिस्ट कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो लाइफ भी इतनी स्ट्रगलिंग नहीं है, इतनी टेंशन भरी नहीं है. कई फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऐसे होते हैं जो बहुत आगे तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एओआर बनते हैं, फिर उसके बाद सीनियर एडवोकेट भी बनते हैं. काफ़ी लॉयर्स हैं जो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके अपनी इतनी अच्छी फर्म्स खोल लेते हैं. तो यहाँ पर चिंता की बात यह भी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट जन लॉयर हैं, और अगर आप ये सोचेंगे तो एक सोचने वाली बात आपको ये भी मजबूर करेगी कि किसी ना किसी को तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनना है, तो क्यों ना आप ही वो स्टेप ले लें और आप ही वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर बने, जिससे अगर आपकी आगे वाली जनरेशन में कोई लॉयर आता है तो उसे दिक्कत महसूस ना करनी पड़े. पांचवा जो यहाँ पर मिथ है वो ये है कि ये जो प्रोफेशन है ये गंदा प्रोफेशन है, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं. मैंने गूगल किया था तो मेरे को वहाँ पर ये मिथ दिखाई दिया कि लोग पूछ रहे हैं कि लॉ प्रोफेशन डर्टी है कि अच्छा है, क्लीन है, कैसे है. लोग ये सोचते हैं कि भाई आपको यहाँ पर रहने के बाद करप्शन फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर हर जगह करप्शन है, हर जगह गलत हो रहा है, गलत का भी साथ देना पड़ता है, सही का भी साथ देना पड़ता है. तो इट्स अप टू यू एज अ लॉयर, इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर क्लाइंट, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में है, आप केस सुनने के बाद उसे रिफ्यूज भी कर सकते हो और उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो. तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस प्रोफेशन को कैसा बनाते हैं और कैसा रखते हैं. इस वीडियो को यहीं पर हम करते हैं ख़त्म, मिलेंगे जल्दी आपको अगली वीडियो में. भारत माता की जय. जय हिंद.